हेलो गाइस गाइस, क्लास 12 वालों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि उनकी नेक्स्ट जो क्लास की वीडियो है अपकलन की वो कब आएगी। तो गाइस आज हम उस वीडियो के साथ आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है विशिष्ट अपकलनों का अपकलन गुणांक, यानी विशिष्ट फलनों का अपकलन गुणांक। तो देखिए कैसे करेंगे, इन क्वेश्चन को मैक्सिमम हम लोग मानकर करते हैं। सबसे पहले क्या होता है जो, अच्छा उससे उसके लिए हम आपको पहले फॉर्मूले बताएं। कुछ फॉर्मूले भी इसमें जो प्रयोग होते हैं उनका क्या यूज है। यहाँ पर देखिए, आपने लघुगणक पढ़ा होगा, क्लास 8th और 9th में भी आता है लघुगणक, या फिर इंग्लिश में कहो तो लॉग। तो देखिए कैसे, उसमें जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले जो होता है वो होता है लॉग एम गुणा लॉग एन। तो गाइस यदि ऐसे आता है तो हम लिखते हैं लॉग एम प्लस लॉग, इस प्रकार लिखते हैं। दूसरा जो आता है आपका वो आता है लॉग एम अपॉन एन। तो गाइस इसको हम लिखते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन। ये जो आता है वो होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, लॉग एम की पावर एन। तो गाइस यदि लॉग में घात है, जैसे यहां पर इसकी संख्या घात होगी, तो उसको हम क्या लिखेंगे, आगे लिख देंगे, तो हो जाएगा वहां पर एन लॉग एन। इस प्रकार से हम इन जो फॉर्मूले इनको इसमें यूज करते हैं। होगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो देखते हैं किस प्रकार हम इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, दोनों और क्या कर लें, लॉग लेने पर दोनों और लॉग लेने पर। तो गाइस जैसे हम लॉग लेंगे तो ये होगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर कोस एक्स। और गाइस हमने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम, इसी प्रकार लिख सकते हैं, या आप यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग एम की पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम। और फिर आप क्या लिखोगे, लॉग बाई बराबर कोस, क्योंकि घात क्या है आपकी, कोस किया है तो कोस आगे जाएगा, ये इस प्रकार आगे आता है, कोस एक्स लॉग साइन एक्स। अब इसको कैसे करते हैं, तो गाइस हमने फिर आपको लगभग क्लास, जब हमने सेकेंड क्लास ली थी अपकलन की, उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड मान के सवाल को करते हैं। तो देखिए अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो गाइस देखिए कैसे करते हैं, ये होता है आपका 1 अपॉन y dy अपॉन dx बराबर, अच्छा लॉग का होता है 1 अपॉन में जाती कोई भी वैल्यू है लॉग के साथ, तो 1 अपॉन y, क्या ये x है, नहीं है, तो एक बार फिर होता तो dy अपॉन dx। अब देखिए ये cos x ऐसे ही लॉग साइन का फल, तो dy अपॉन dx लॉग साइन x प्लस, अब क्या लिखें, लॉग साइन ऐसा ही, यानी लॉग साइन x ऐसे ही किसका अपकलन, कोस का अपकलन, यहां पर आ गया आपका कोस का अपकलन। फिर क्या करते हैं, अब लिखते हैं 1 अपॉन y dy अपॉन dx कोस एक्स इंटू, अच्छा लॉग साइन में क्या होता है, 1 अपॉन साइन, क्या ये एक्स है, नहीं है, साइन एक्स है, तो एक बार फिर इसका कर देते हैं, उसके बाद प्लस लॉग साइन एक्स, कोस का होता माइनस के साइन एक्स, कोस का जो अवकलन होता है वो होता है अपने माइनस के साइन एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, उससे पहले आप 1 अपॉन y भी लिख लें, बराबर कोस अपॉन साइन ही हो जाएगा ना, ये तो ये आपको हो जाता है कोट कोट एक्स गुणा कोस का अपन, वो साइन का अपन क्या होता है कोस एक्स प्लस,
ये माइनस के साइन आप आगे ले आओगे तो माइनस के साइन हो जाएगा। और अच्छा माइनस के साइन लिख लो, अच्छा पहले माइनस के साइन लिखो, माइनस के साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। उसके बाद क्या करना चाहोगे? उसके बाद हम करेंगे, अच्छा वीडियो में आपको आ रहा है ये दिख रहा, अब देखिएगा ये जो होगा ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ये वाई कहाँ होगा उधर पहुंच जाएगा तो आपको जाएगा वाई कोट एक्स इंटू कोस एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब लिखेंगे वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर, तो गाइस जैसा आप वाई का मान रखोगे आपका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, वाई का मान रखो, वाई का मान क्या था साइन एक्स की पावर कोस एक्स, और ये होता आपका कोट एक्स इंटू कोस एक्स माइनस के साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये आपका होता आंसर। तो गाइस एक बार हम आंसर मैच कर लें इसका, बिल्कुल सही है आपका आंसर, एक बार इसका पूरे स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। वाई बराबर साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, इसका अवकलन करते हैं फिर वही क्या करेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, तो लिखिए दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर जैसे आप लॉग लोगे ये हो जाएगा आपका लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर लॉग एक्स। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जहां आपका लॉग, यहां पर देखिए यदि घात में आपका आता तो वो कहां पहुंच जाता सबसे आगे, तो ये हो जाता आपका लॉग वाई इक्वल टू आपका आता है लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब क्या लिखते हैं, अब हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन कराने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर और जैसे ही आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे ये आपका आगा वन अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद क्या होगा इसको हम मानेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स। उसके बाद प्लस पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन, दूसरा ऐसे ही यानी साइन एक्स वाली वैल्यू ऐसी ही फिर पहले का अवकलन। अब क्या करेंगे हम लिखेंगे वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लॉग एक्स। अब लॉग साइन का भी थोड़ी देर पहले ही किया है आपने, वन अपॉन साइन एक्स, क्या ये एक्स है? नहीं है, तो डी वाई अपॉन वो डी डी अपॉन डी एक्स इसका साइन का प्लस लॉग साइन एक्स, इसका हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स। उसके बाद आता है आपका वन अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो गया आपका लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन का होता है आपका कोस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स। उसके बाद होता है आपका, अच्छा एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें, अब देखिएगा इसमें क्या होगा, अब हम करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स वाई, उसके बाद हो जाएगा आपका कोस बटे साइन जो होता कोट, तो लॉग एक्स इंटू कोट एक्स
प्लस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स। अब कुछ मत करो, ये वाई आप वहां पहुंचा दीजिएगा, तो जो जगह डी वाई अपॉन डी एक्स वाई लॉग एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, वाई का मान रखना, वाई का मान रखने को, और जैसे ही आप वाई का मान रखोगे ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का मान क्या है? साइन एक्स की पावर कोस एक्स, नहीं लॉग एक्स होगा, लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स इंटू कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स। तो गाइस देखिएगा आंसर क्या है आपका, वाई। गाइस इन्होंने आंसर ये दे रखा है, ये तो आपकी वो इच्छा है, आप क्वेश्चन का आंसर ये भी दे सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर ये भी दे सकते हैं, कौन सा भी आंसर आपको अच्छा लगे। वैसे जो आपका पूर्ण आंसर है वो आपका आंसर है ये, क्योंकि आपने यहाँ पर बाई का मान जो दे रखा था वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, तो आंसर ये भी है और ये भी है, जो सा आपको अच्छा लगे वो आंसर आप दे सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसके पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें, देखिएगा गाइस। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है वाई बराबर एक्स की पावर कोस इनवर्स एक्स। ये आपका क्वेश्चन दिया है और मैं आपको बता दूं गाइस, जहां तक है इस टॉपिक की आपकी, इस टॉपिक के आपके तीन पार्ट बनेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है आज का ये फर्स्ट पार्ट है, और उसमें ये फर्स्ट पार्ट में आपके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं उसके लिए होता है, सेकंड पार्ट में आपका मीडियम क्वेश्चन होते हैं, और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें आपके वे क्वेश्चन होंगे जो आप बहुत हार्ड होंगे, आपके हिसाब के नहीं होंगे, लेकिन वे क्वेश्चन होंगे जो आएंगे और जल्दी से आपसे नहीं हो पाएंगे, इसलिए पार्ट थर्ड को भी जरूर देखिएगा। इसमें क्या करेंगे, दोनों और लॉग ले लो, दोनों और लॉग लेने पर, लॉग लेने जैसे आप दोनों और लॉग लोगे तो आपका लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कोस इनवर्स एक्स। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो होगा ये आगे आ जाएगा और आपको हो जाएगा लॉग वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आपका हो गया। और ये जैसे ही आपका होगा, यहां पर फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब कोस इनवर्स ऐसे ही दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या लॉग एक्स प्लस, अब दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स आपका ऐसे ही आ गया, और इसका क्या होता है वन अपॉन एक्स होता है इसका, तो प्लस लॉग एक्स आपका ऐसे ही आ गया। कोस का क्या होता है, कोस का, कोस इनवर्स का अवकलन जो होता है वो होता है माइनस के वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब ये माइनस का तो इसको ऐसे लिख दिया, और आपका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, अब ये वाई इधर आ जाएगा तो वाई कोस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते तो कोस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। गाइस आंसर आपका ये भी है, और आप यदि बढ़ाना चाहते हो तो वाई का मान रख दो, वाई का मान रखने पर, और जो आपका वाई का मान होगा वो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का मान क्या है, क्वेश्चन में देखिए एक्स की पावर कोस इनवर्स एक्स है, और
कोस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट वन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर, एक बार मैच कर लीजिए। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन आपका जो आंसर है यही है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यही है। और एक और क्वेश्चन देखिए गाइस, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए गाइस, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो देखिएगा। तो गाइस हम क्या करेंगे इसको, ये थोड़ा हटकर है क्वेश्चन आपका, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको y1 और इसको y2 मानेंगे। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2, जो हम इसका जो अवकलन करेंगे वो होगा dy अपॉन dx बराबर dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx, ये होगा अवकलन। और इसको आप समीकरण नंबर एक भी बना सकते हो, इसको आप एक भी बना सकते हो। उसके बाद क्या करें, उसके बाद जो करेंगे हम ये लिखेंगे कि y1 बराबर, थोड़ा इधर को लिखते हैं क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन आपका है। y1 बराबर होता है आपका tan x की पावर log x। अब क्या करें, अब दोनों ओर log लेने पर, दोनों ओर log लेने पर, जैसे आप दोनों ओर log लोगे तो वहां पर जो होगा ये होगा log y1 बराबर log tan x की पावर log x। और आपको बताया था इस कंडीशन में ये संख्या आ गया थी, तो आपको बताया log y1 बराबर log x into log tan x। उसके बाद ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर उसमें क्या होता है, जब आप अवकलन करोगे ये होता है आपका वन अपॉन वाई वन डी वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन। पहला क्या होता है log x, इसका अवकलन। उसके बाद dy1 upon dx, और इस y को आप ऐसे भी इधर भी लिख सकते हो ऐसे, log x 1 upon tan हो जाएगा इसका, और tan का एक बार फिर से अवकलन होगा tan। उसके बाद प्लस log tan x, और log x का होता है 1 अपॉन x। उसके बाद dy1 अपॉन dx इक्वल टू y1, अच्छा y1 का मान भी रख दो चाहे, y1 का मान रखने पर, काफी लंबा सवाल है तो इसको हम सॉर्ट कर रहे हैं, पहले ही हम y1 का मान रख रहे हैं, तो ये होता है आपका tan x की पावर log x ब्रैकेट log x, जो क्या आपका 1 अपॉन tan x, और tan का जो अवकलन होता है वो होता है आपका sec स्क्वायर x प्लस log tan x अपॉन। ये जो होता है ये आपका होता है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, यानी आपका जो y1 हमने माना था वो होता है। अब क्या हम करेंगे इसको, अच्छा एक बार देखते हैं वीडियो में आ रहा है या नहीं। अब आपको शार्प दिख रहा होगा, अब देखते हैं सेकंड पार्ट जो हम हल करेंगे वो इसका इधर की साइड करेंगे। देख यहां पर क्या करेंगे हम, यहां लेंगे y2 जो हमने माना था, वो माना था हमने cos x की पावर sin x को, सेम प्रोसेस यही है दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर
लोग जो आप लोग हैं लेने पर, तो ये जो होगा आपका लॉग वाई टू इक्वल टू लॉग कोस एक्स की पावर साइन एक्स। तो गाइस ये आपका ये आ गया था। उसके बाद जो होता है आपका लॉग वाई टू साइन एक्स लॉग कोस एक्स। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करेंगे इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन। और एक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे, हमने आपको बताया है जब कोई दो चीज हो वो इनटू में हो तो उसको हम फर्स्ट सेकंड के साथ करते हैं। इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये होगा आपका वन अपॉन वाई टू डी वाई टू अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स। ऐसे ही दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है आपका, ये होता है आपका लॉग कोस एक्स। उसके बाद प्लस, अब लॉग कोस ऐसे ही किसका अवकलन करोगे, साइन एक्स का। अब अच्छा एक काम करो, वाई बाई टू को इधर भेज दो, ये आपका इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। और लॉग का क्या होता, लॉग में कंडीशन नीचे आ जाता है, क्या ये एक्स है, नहीं ना, तो कोज एक्स का फिर से करो प्लस लॉग कोज, ऐसे ही आपका ऐसे ऐसे आ गया। और साइन का हाँ साइन का कोस आता है आपका, होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो वाई टू की वैल्यू भी हाथ तो हाथ ही रख देते मान रखने पर। उसके बाद क्या होता है, वाई टू की आप जैसी वैल्यू रखते, वाई टू की वैल्यू क्या दी, कोस एक्स पावर साइन एक्स। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, टेन एक्स कोस का आता है आपका साइन एक्स। तो भाई इन्होंने आंसर में क्या है, आंसर में इन्होंने ऐसे नहीं दे रखा, आंसर में आपका यही है साइन एक्स अपॉन कोस। और एक और है कि यहाँ पर जो कोस का होता है वो माइनस के साइन आता ना, और लॉग कोस एक्स इंटू कोस वाई टू अपॉन वाई एक्स बराबर कोस एक्स की पावर साइन एक्स। और ये आपका आता है माइनस के साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स लॉग कोस एक्स इंटू कोस एक्स। गाइस छोटा हो गया पर ये कम दिख रहा होगा ना। अब क्या करेंगे हम, ये आपका आ गया डी वाई वन अपॉन डी एक्स और डी वाई टू अपॉन डी एक्स, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम ब्रैकेट लिख देते हैं, हम लिखेंगे ऐसे लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर होगा जो आपका ये होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखिएगा, ये होगा आपका टेन एक्स की पावर लॉग एक्स, फिर आएगा आपका लॉग एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस लॉग लॉग टेन एक्स, ये आपका आ गया यहाँ पे बटे। उसके बाद जो होगा आप इसकी वैल्यू रखोगे, और माइनस वाले को पीछे ले लो। अच्छा ये मिस्टेक हो गया यहाँ पर प्लस,
इसको आप पीछे ले लो। cos x और ये आपका हो गया इस प्रकार। एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट लेने। तो गाइस जैसे कि हमने बताया था ये क्वेश्चन काफी आपका लेंथी हो सकता है, तो ये आपका आंसर एक बार मैच कर लें। क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो भी सब ठीक है, बस ये कोस थोड़ा पहले दे रखा है, ये बात नहीं, ये आप गुणा में आगे पीछे कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और स्क्रीन शॉट तो हमने ले लिया। तो गाइज ये थे आज की वीडियो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज इसका पार्ट टू भी बनेगा, तो पार्ट टू में जो होगा आपका वो मीडियम टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये आपके थोड़े इजी थे, इससे हार्ड जो होंगे मीडियम में होंगे। और जो लास्ट पार्ट होगा इस टॉपिक का वो होगा पार्ट थर्ड, उसमें आपके सबसे हार्ड क्वेश्चन होंगे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं और इम्पोर्टेंट आपके हैं। यदि स्टूडेंटों को वीडियो अच्छी लग रही है, उनको पढ़ाई कुछ समझ में आ रही है, तो वो वीडियो पर कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही आपको पता चलता है आप कैसा पढ़ रहे हैं। और लाइक करें, कमेंट करें, और सभी स्टूडेंट जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद।